अगस्त तक इनके झुंड ने सबसे बड़ा आकार ले लिया। अब लगभग 20 लाख जानवरों की फौज के सामने 3 शेरनियां। इन बहनों की मदद करने के लिए और कोई नहीं है। अगर इन्हें जिंदा रहना है तो इन्हें साथ मिलकर काम करने का तरीका ढूंढना होगा। मदद के लिए इनके पास सिर्फ ऊंची घास है और ये इसका पूरा इस्तेमाल करती है। विल्डबीस्ट भले ही शेरों जितने खतरनाक ना हो लेकिन इनके पास अपने हथियार हैं। पैने सींग और लाखों जानलेवा खुर। लेकिन असली हिफाजत तो इनकी जबरदस्त तादाद में है। कुछ विल्डबीस्ट नजर रखते हैं जबकि बाकी चरते रहते हैं। और ये खतरे की झलक मिलते ही चेतावनी देने के लिए तैयार रहते हैं। इनके पास पहुंचने के लिए मारा और इसकी बहनों को इनकी नजर में आने से बचना होगा। इन्हें एक लक्ष्य चुनकर उसी की ओर बढ़ना होगा और इतने बड़े झुंड से इनका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। ये जितने करीब पहुंचेंगी शिकार में कामयाब होने की संभावना उतनी ज्यादा होगी। मारा पहरेदारों की नजर में आए बिना आगे पहुंच गई। इसकी बहनों में से एक चुपके से दूसरी तरफ तैनात हो गई। मारा एक बड़े से वयस्क विल्डबीस्ट की ओर बढ़ने लगी। लेकिन इसकी बहन को एक आसान शिकार दिखा और ये खुद को रोक नहीं पाई। ये शिकार तो नाकाम था। अब विल्डबीस्ट बहुत सतर्क है। एक और कोशिश का कोई फायदा नहीं। बिना रणनीति या बिना तालमेल वाले झुंड के लिए शिकार करना लगभग नामुमकिन है। और बच्चों के बिना यह परिवार खत्म होने की कगार पर है। नवंबर तक विल्डबीस्ट और जीब्रा के यही बड़े बड़े झुंड हमें दक्षिण की ओर तंजानिया में नुदुतु ले जाते हैं जहां एक तीसरी शेरनी इंतजार में है। यह मटीटी है, एक ताकतवर और आत्मनिर्भर शेरनी। दूसरे शेरों के उलट मटीटी अकेले शिकार करती है। इसकी मदद के लिए कोई नहीं है, इसके पास तादाद की ताकत नहीं है और ये अपने अलावा किसी और पर निर्भर नहीं रह सकती। इसकी मुश्किलों को और बढ़ाने के लिए ये मारा से ज्यादा खुले इलाके में है।
मचीची को खुले में शिकार को खदेड़ना पड़ता है और ये किसी बच्चे, जख्मी या बूढ़े जानवर को अलग करने की फिराक में रहती है। लेकिन शिकार हर दिशा में 1.5 किलोमीटर दूर से ही इसे देख सकता है। छोटी घास वाले इन मैदानों में छिपकर हमला करना नामुमकिन है। तीनों शेरनियों में इसका इलाका